हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है और बहुत ही अच्छा हम कंटेंट लेके आए हैं। ये जो कंटेंट है ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिगार्डिंग है, जिसमें आपको हम क्वालिटी का डिफरेंस दिखाने वाले। तो हमारा जो सिस्का टाइप का और जो हमारा कौन सा सबसे बेस्ट है, मार्केट में दो ही मॉडल होते हैं, 180 डिग्री का, एक 270 डिग्री का। अब 180 डिग्री जो होता है वो फिलिप टाइप होता है, 270 डिग्री जो होता है वो हमारा सिस्का टाइप होता है। अब इसमें डिग्रियों का क्या फर्क है तो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो के आखिर तक बने रहे जिसमें हम आपको एक एक पॉइंट बताने वाले कि कौन सा बल्ब सबसे बेटर और क्या क्या इसकी क्वालिटी है। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो हम हमारा पॉइंट है वो हम आपके सामने रखते हैं, सर सिस्का सेट सबसे बेस्ट क्यों है? मैम सिस्का सेट का जो क्या रीजन है, तो इसका बेस्ट होने का सिंपल एक रीजन ये है कि जो हमारी 57 mm की हाउसिंग है और ये 60 mm की हाउसिंग, हम इसको 60 mm बोलते हैं, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो हम देखते हैं कंपेयर अगर सामने कर रहे हैं तो ये हाउसिंग सिस्का वाली थोड़ी सी डायामीटर में कम है, लेकिन ये जो हमारी फिलिप्स टाइप है इसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर साइज कम है तो इसका हमें कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा होने वाला। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ पे फोकस किया गया है वो इसका फोकस ये है कि जो इसके अंदर इंसर्ट एल्युमिनियम डाला गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही हैवी क्वालिटी का इसके अंदर इंसर्ट कौन है। जबकि जो हमारी 57 mm की अगर हमारा इसमें थोड़ा सा साइज बढ़ा है तो इंसर्ट को इतना हल्का किया गया है कि हमारी जो रिप्लेसमेंट रेशियो वो ज़्यादा है। रिप्लेसमेंट रेशियो का वजह क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर हीटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, और अगर जब हमारी हीटिंग एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि बल्ब की रिप्लेसमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। तो सिस्का सेट की हाउसिंग हैवी है, इसकी वजह से हमारी रिप्लेसमेंट कम है, और हमने सिस्का सेट हाउसिंग पे बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस लगाया। तो अब इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करने वाले कि इसका और दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, हीट सिंक प्लेट। जो इसकी हमारी हीट सिंक प्लेट है, आप देखेंगे कि ये जो है हमारी 57 mm की जो फिलिप्स टाइप है उसकी हीट सिंक प्लेट है, और ये वाली जो प्लेट है हमारी सिस्का टाइप की हीट सिंक प्लेट है। तो इसका जो आप मटेरियल की आपकी इसकी जो थिकनेस है वो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थिकनेस का क्या रेशियो। तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो हमारी हीटिंग को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी पीसीबी हीट नहीं होगी, और हीट नहीं होगी तो हमारी एलईडी डीमेल्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी पीसीबी खराब होने का चांस कम है। अब इसके डायामीटर में जो फर्क है, अब कुछ क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई डायामीटर में फर्क है तो हीटिंग एब्जॉर्ब, जो इसको प्रेस करने के बाद बॉडी के साथ कनेक्टिविटी है वो इतनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी होती है कि उसके बाद हमारी प्रॉपर हीटिंग एब्जॉर्ब होती है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये जो हल्का स्पॉट है यहाँ तक इसमें प्रॉपर हमारी प्लेट फिट हो जाती है, तो इसको जो कनेक्टिंग है वो प्रॉपर हमारी इस वाले डायमीटर से लेके और हाउसिंग के नीचे वाला ये वाला हिस्सा पूरा कनेक्ट होता है। जबकि आप हमारी फिलिप्स टाइप में या किसी और हाउसिंग में देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा बस इतना टच होता है, पूरी प्लेट टच नहीं होती, तो हीटिंग प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि फिलिप्स टाइप में हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम आ रही है। इसके बाद जो तीसरा इसका बेस्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, सब ब्राइटनेस एंगल। जो इसका एक सबसे बेस्ट पॉइंट एक ये है, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राइटनेस एंगल। जो हमारा फिलिप्स टाइप का बल्ब है उसका जो डिग्री है वो 180 डिग्री है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम इसको बल्ब में लगाएंगे डिफ्यूजर को तो आप देखिए इसकी जो ब्राइटनेस स्प्रेड होने वाली है वो ओनली ऑन 180 डिग्री में, मतलब इस एंगल में बिल्कुल स्प्रेड होगी। लेकिन जो हमारा सिस्का सेट है इसकी जो डिफ्यूजर है आप देखेंगे इसको यहाँ से इस तरीके से कर्व किया गया तो इसका जो ब्राइटनेस एंगल है वो 270 डिग्री जाता है, तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप इसके क्वालिटी में आप डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे, कैमरा में साफ आप समझ सकते हैं वीडियो में कि ये बहुत ज़्यादा वाइट है, जबकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कुछ ज़्यादा है। इसमें हमारी ब्राइटनेस हमें लगता है ज़्यादा है, लेकिन ये हमारी आई कॉन्टैक्ट को और आई कंफर्ट में प्रॉब्लम करती है। लेकिन इसकी जो वाइट है, इसकी जो ब्राइटनेस आती है वो 100% प्योर नेचुरल कूल वाइट है, जबकि इसमें हमें थोड़ी सी जो स्पाइक्स है, जो ब्राइटनेस स्पाइक्स है वो ज़्यादा है। तो इस कंपेयर में इसका जो ब्राइटनेस एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है फिलिप्स टाइप से। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि साइज, अगर हमारी सिस्का सेट का साइज होता है 60 mm और ये होता है 57 mm, क्योंकि इसको जब फिट करने के बाद जो एंगल बनता है
ये इसका यहाँ वाला जो डायमीटर है 60 mm है, जबकि हमारी सिस्का वाले के कंपेयर में जो फिलिप्स टाइप है इसका डायमीटर बनता है 57 mm, जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड होता है 55 mm, 57 mm बोला जा रहा है, और ये 60 mm होने के बाद इसको हम 58 mm तक ये होता है। तो यहाँ इसका जो वाइड है, जो इसका इंसर्ट है, उसका वाइड थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेयर टू फिलिप्स टाइप। सर इसकी क्वालिटी? क्वालिटी में इसका आप देखेंगे, प्रॉपर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस एंगल है, जो इसका ब्राइटनेस एंगल काफ़ी बेटर। दूसरा जो इसकी क्वालिटी का बात है, आप थोड़ा सा बिल्कुल गौर से इसको फोकस करेंगे तो एल्युमिनियम को आपको कलर से भी आप देख सकते हैं, और जो इसका जो PBT वाला है, जो ऊपर वाला मटेरियल है, ये प्रॉपर PBT का है, इसमें कोई मटेरियल मिक्स नहीं किया हुआ, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का इसके साथ मटेरियल लगाया गया। तो इसका जो रिप्लेसमेंट में कम हो जाती है, इसकी एक वजह ये भी है कि ये 6 महीने साल भर चलने के बाद, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी फ्लिप टाइप बॉडी का कौन आउट हो जाता है बॉडी से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि जो मटेरियल है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का और सुपीरियर क्वालिटी का बनाया हुआ है, तो इसलिए इसकी गुणवत्ता फिलिप्स टाइप से आज की डेट में काफ़ी बेटर है। सर इसका वेट? वेट की अगर बात करें तो हमारा ये फिलिप्स टाइप वाला जो आता है, इसका वेट बैठता है 28 ग्राम, और अगर हम इसी की तुलना में हम इसकी बात करते हैं सिस्का की, तो ये बैठता है 34 ग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा 6 ग्राम का डिफरेंस है। आप ये समझिए कि एक हीट सिंक प्लेट से ज़्यादा 6 ग्राम का डिफरेंस है। तो जब वेट हैवी है तो हीटिंग एब्जॉर्ब ऑब्वियसली सी बात है ज़्यादा होगी, तो उसकी रिप्लेसमेंट रेशियो और उसकी क्वालिटी बेटर होगी। आपका बल्ब देखने में ही आपको फील होगा कि हाँ, कोई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमारे हाथों में है, ये हमारे सामने है। सर ल्यूमन? अब इसमें ल्यूमन की जो बात आती है, ल्यूमन का जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो इतना कूल वाइट और इतना बेस्ट आउटपुट देता है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमको लगता है, जिससे हम फील कर पाते हैं कि जो हमारा ल्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें है हमारा सिस्का टाइप में इन कम्पेयर टू फिलिप्स टाइप। और मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि इसकी ब्राइटनेस में और इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ये जो ब्राइटनेस है आप इसको फील करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो ब्राइटनेस में जो इसकी कूलनेस है वो जैसे बिल्कुल कूल वाइट है एकदम। इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा बहुत ही बेस्ट है। अगर अब हम इसको फिलिप्स टाइप वाला लगाते हैं तो ब्राइटनेस के मामले में अब आप ये देखिए, इसका हल्का ब्लूनेस पे है, आप फील करेंगे इसका जो राउंड में है हल्का ब्लूनेस का है, तो ये थोड़ा आई को हमारी को इफेक्ट करता है, जबकि फिलिप्स टाइप ये नहीं करता है। बिल्कुल आप गौर से फोकस करने की कोशिश करना, इसमें ये हमें ये देखिए, इसमें ये ब्लूनेस बहुत कम होती है। तो ये इन दोनों की क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो हमने आपको दिखाया कि कौन से की क्वालिटी किस प्रकार बेटर है, कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट क्वालिटी का। तो ये सारी चीज़ें हमने जो आपको एक एक चीज़ दिखाई कि कौन सी क्वालिटी सबसे बेटर है। तो प्लीज़ अगर अभी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर ऑल व्यूवर्स, और हमें प्यार देने के लिए धन्यवाद।